नमस्कार, इंडियन क्लासिकल वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंशिका अग्रवाल और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कथक डांस के जो हैंड मूवमेंट्स होते हैं उनको किस तरह से हम लोग फुटवर्क के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और ये देखने में भी उतना ही खूबसूरत लगता है। हमने हमारी लास्ट क्लास में हैंड मूवमेंट्स करना सीखा था, पर उसके साथ हमने तत्कार नहीं की थी, यानी कि फुटवर्क नहीं किया था। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपलेस्ट बात बताना चाहूंगी। हैंड मूवमेंट इज द ब्यूटी इन आवर कथक डांस। इट इज वेरी वेरी मच ग्रेसफुल, एंड तब आप उसको प्रेजेंट करते हैं तो वो देखने में भी उतना ही ज्यादा सुंदर लगता है। तो ठीक इसी तरह आज मैं आपको जो हैंड मूवमेंट्स बताने जा रही हूँ उसके साथ हम लोग तत्कार को भी एड ऑन करने वाले हैं। तत्कार मतलब जो हमने हमारी फर्स्ट क्लास में सीखा था, यानी कि हमारी स्टार्टिंग क्लास में सीखा था कि किस तरह से हम लोग कथक में तत्कार करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको हैंड मूवमेंट बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको एक बार तत्कार भी बताऊंगी, तभी हम इन दोनों को मिलाकर स्टार्ट करेंगे हैंड मूवमेंट्स करना। ओके, देन लेट्स स्टार्ट द हैंड मूवमेंट्स। सबसे पहला जो मूवमेंट है उसके लिए आपको अपना हाथ बिल्कुल सामने खोलना है और उसको देखते हुए बंद करना है। आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई प्लेट आपने पकड़ा हुआ है और उसको खोलते हुए और अपनी आईज के साथ देखते हुए उसको अपने हाथ को वापस लाना है। याद रखिए, आप तब अपना हाथ खोलेंगे तो बिल्कुल आप उसको एक लेवल पे रखेंगे और उसको घुमाकर बंद कर लेंगे। अगेन यू कैन सी, 1, 2, 3 and 4, गो 1, 2, 3 and 4। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, कथक डांस में खड़े होने का स्टाइल होता है वी शेप में, आप अपने पैर रखेंगे और हाथों की मुद्रा जो रहती है अराल, उस मुद्रा को आप सेम यहां चेस्ट लेवल पे रखने वाले हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस मूवमेंट अगेन, 1, 2, 3 एंड क्लोज, गो 1, 2, 3 एंड क्लोज। चलिए इस मूवमेंट के बाद मैं आपको एक और नेक्स्ट मूवमेंट बताने वाली हूं जो बेहद सुंदर है। तो आइए देखिए, आपको अपना हाथ बिल्कुल नीचे से लेकर जाना है और पीछे से घुमाकर उसको बंद करना है। गो डाउन 2, turn and 4। फ्रॉम द अदर हैंड, गो डाउन 2 and 4। आपको अपना हाथ तब आप नीचे से घुमाकर ले जा रहे हैं तो आप एक सेमी सर्कल जैसा फॉर्म कर रहे हैं, तो तब भी आप हैंड मूवमेंट करेंगे तो आपको अपने हाथों को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3 and 4, गो 1, 2, 3 and 4। बिल्कुल ठीक। अब इन दोनों मूवमेंट्स को हम लोग देखते हैं कि तत्कार के साथ किस प्रकार कर सकते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी, तत्कार का एक बहुत ही सिंपल रूल है, जिस लेग पर आपके 4 आएगा उसी लेग पर आपके 1 आएगा, और तत्कार हमेशा राइट लेग से पहले शुरू होती है। तो राइट लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, नाउ लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड राइट, एग्जैक्टली। तो ये हुआ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। जैसा कि आपने देखा, मेरे जिस पैर पर 4 आया उसी लेग से मैंने 1 करना शुरू करा, और साथ के साथ जो मूवमेंट्स की काउंटिंग है वो भी हमारी तत्कार की काउंटिंग के साथ ही चलेगी। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो चलिए आइए एक बार देखते हैं कि किस तरह से तत्कार के साथ हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। जैसा कि आपने देखा, अभी इस हैंड मूवमेंट को हमने तत्कार के साथ ट्राई किया, दोनों हैंड मूवमेंट्स को।
चलिए आइए तो देखते हैं नगमे पर ये हैंड मूवमेंट्स, जो कि हमारा 3 ताल का म्यूजिक है 16 बीट्स का, उस पर ये म्यूजिक और उस पर ये हैंड मूवमेंट्स किस तरह लगते हैं। चाहूंगी कि हैंड मूवमेंट्स को प्रॉपरली देखकर फॉलो करना अपने आई कॉन्टेक्ट के साथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन कथक डांस। अगर आप अपने हैंड मूवमेंट्स को नहीं देखेंगे और स्माइल नहीं करेंगे तो शायद आपके हैंड मूवमेंट्स में वो बात ना आ पाए। तो तब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आप अपने हैंड मूवमेंट्स को देखकर फॉलो करें। एंड तत्काल का वही सेम पैटर्न है, तत्काल के अगर आप साथ फॉलो करते हैं तो आपका हैंड मूवमेंट और भी ज्यादा ब्यूटीफुली आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। होप सो आज का कथक क्लास आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको कथक क्लास पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इंडियन क्लासिकल वर्ल्ड एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इन्हीं हैंड मूवमेंट्स को तत्काल के साथ घूम कर प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी जो हमने हैंड मूवमेंट प्रेजेंट करे आज की क्लास में वो एक जगह खड़े होकर करें, बट नेक्स्ट क्लास में आई शो इट टू यू कि हम किस तरह से इन्हीं हैंड मूवमेंट्स को अपनी ही जगह पर सुंदरता से घूम कर प्रेजेंट कर सकते हैं।